नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रमीला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस का प्रोविजन हमारे पास दो जगह से देखने को मिलता है, क्योंकि अभी हम दोनों लॉ को साथ लेके चलते हैं। तो हम बात करते हैं CRPC 125, तो वही हमारी BNSS सेक्शन नंबर 144। अब सवाल आता है, जब भी मेंटेनेंस की बात आती है तो एक ही दिमाग में बत्ती जलती है कि हस्बैंड जो है वाइफ का मेंटेनेंस करेगा। जब भी मेंटेनेंस की बात आएगी तो एक ही रहता है कि हस्बैंड वाइफ का मेंटेनेंस करेगा। चलिए, फिर हमारे मन में आती है कि माता पिता बच्चों का मेंटेनेंस करेंगे, चलो ये भी पता है। फिर हमें बस बात आती है कि बच्चे माता पिता का मेंटेनेंस करेंगे, बोला हाँ। बच्चों में बेटा क्या आता है कि बेटा माता पिता का मेंटेनेंस करेगा, चलो मान लिया। आज मैं आपको एक नई बात बताती हूँ, माता पिता बेटे के अलावा बेटी से भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। यदि प्रूफ हो जाता है कि माता पिता के पास अर्निंग का कोई साधन नहीं है और बेटी के पास अर्निंग का साधन है, जैसे बेटी गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्लिप है, सेमी गवर्नमेंट में है तो भी उसकी चेक आती है, तो बेटी किसी वे में काम कर रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट में, सेमी गवर्नमेंट में, अगर घरेलू काम करती है तो प्रूफ कैसे करोगे? तो उसका ITR इनकम टैक्स प्रूफ कर सकते हैं। अन्यथा जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है या सेमी गवर्नमेंट है और जिनके पास चेक से सैलरी आती है, तो ये प्रूफ है कि भैया उसकी बेटी कमाती है। तो माता पिता आप अपनी बेटी से भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। हालांकि हमारा समाज और हमारे माता पिता दोनों बहुत डिफरेंट हैं। हमारा समाज और हमारे माता पिता दोनों इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि अगर वो बच्चों को मेंटेन ना करे तो बच्चे माता पिता पर केस कर सकते हैं। लेकिन माता पिता कभी भी अपने बच्चों पर केस नहीं करते, अब तक यही दिखाया है। वो जैसी जिंदगी जी लेंगे, वो मांग के खा लेंगे, वो भूखे मर जाएंगे, पर अपने बच्चों पे कभी केस नहीं करते। और हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि हर छोटी बात के लिए सीधा माता पिता को ठोकने आ जाते हैं, पीटने आ जाते हैं, इवन तो उन पर केस भी कर देते हैं। तो ये संसार है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, बच्चे कुपुत्र हो कुपुत्री हो सकते हैं, ये सांसारिक नियम है, अभी से नहीं सदियों से चला आ रहा है, ये आज की बात है ही नहीं। चलो वो सब चीज़ें पाप पुण्य धर्म अधर्म वो साइड रखते हैं, हम लॉक की बात करते हैं। इस लॉक की बात करूँ तो एक केस है विजय मनोहर अर्बट वर्सेस कासीराव 1985 में कहा गया है कि माता पिता अपनी बेटी से भी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती हैं। ना उसके दो कंडीशन है, पहले माता पिता के पास सफिशियंट मीन्स नहीं है और दूसरा बेटी के पास सफिशियंट मीन्स है अपने माता पिता को देने के लिए। कौन सी बेटी? इसके लिए वैसे तो लॉ साइलेंट है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो 18 साल से ऊपर की बेटी के लिए, ठीक है। कौन से साल की बेटी? जो 18 ईयर से अबव की बेटी हैं और जिसके पास अपने सोर्सेज हैं और माता पिता के पास नहीं है, तो वो अपनी बेटी से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है। इस केस के बारे में अधिक डिटेल जानने के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे उसका पूरा साइटेशन के साथ उसका डिसीजन लिखा हुआ है। आज के लिए धन्यवाद।